हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ पार्क में घुमाने, क्योंकि जब से इनके पापा नहीं रह गए हैं तब से मेरे बच्चे कहीं जा नहीं पाए घूमने। एंड बहुत दिन से बच्चे घर में बोर हो रहे थे, तो बच्चों ने बोला कि मम्मी मुझे कहीं घुमा के लेके आओ। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं बच्चों को लेके जाते हैं, थोड़ी देर इन्जॉय करा के लाते हैं, इसलिए आज मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ पार्क। सो अभी हमारी जो ऑटो है वो रेलवे क्रॉसिंग पे है, एंड हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम है जनेश्वर मिश्र पार्क। ये पार्क लखनऊ में गोमती नगर में पड़ता है। सो लेट्स गो एंड एंजॉय। सो हम इस टाइम खड़े हैं पार्क के बाहर, और ये है पार्क के बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। सो हमने पार्क के अंदर एंट्री कर ली है और अब हम जा रहे हैं लेक के पास। बहुत ही सुंदर लेक है यहाँ पे और उसमें बहुत सारी फिश भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ और कौन कौन आया है। मेरे साथ आए हैं मेरे भाभी के दोनों बच्चे, और मेरे दोनों बच्चे हैं, और साथ में एक लड़की है मेरे गली की है। सो ये है वो लड़की, एंड पीछे मेरी भाभी हैं। तो हम अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम पहुंच चुके हैं बच्चों के प्लेग्राउंड में, जहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बच्चे कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं। चलिए बच्चों को थोड़ी देर पार्क में इंजॉय करने देते हैं, एंड आप भी वीडियो इंजॉय करें। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को इस तरह हंसते खेलते हुए देखते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये है स्पाइडर वेब क्लाइंबिंग रोप। सो बच्चों को यहाँ पे चढ़ना होता है। बच्चे यहाँ पे आके बहुत कंफ्यूज जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ से ऊपर जाएं। और बच्चों को इसमें ऊपर जाने के बाद स्लाइडिंग है, वहाँ से बच्चों को स्लाइड करना होता है। सो मेरा बच्चा ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गया है और उसने कम्प्लीट कर लिया उस टास्क को।
ये मेरा चुटंकू बेटा, इसने अपने भाई को टास्क कंप्लीट करते हुए देख लिया तो इसने सोचा कि एक बार मैं भी इसे ट्राई करूं। तो ये ऊपर आ तो गया है, बट आगे देखते हैं कि क्या होता है, ये ऊपर तक जाता है या फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे बच्चे को, ये अभी तक वहीं पे अटका हुआ है और अब ये टास्क को गिव अप कर रहा है और ये नीचे उतर रहा है क्योंकि इसको हाइट से डर लग रहा है। धीरे धीरे होने लगी है शाम और बच्चों से बोला जा रहा है कि बेटा चलिए घर चलिए, बट किसी भी बच्चे का मन नहीं है कि वो वापस घर जाए। तो बच्चे कभी इस झूले पे कभी उस झूले पे बस यही कर रहे हैं। सो इतने बड़े पार्क में ऐसा कोई झूला नहीं बचा हुआ जिसको मेरे बच्चों ने ट्राई ना किया हो। सो अभी भी ये बच्चे उसी में बिजी हैं और बिल्कुल भी इनका घर जाने का मन नहीं हो रहा है, बिकॉज बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है एंड साथ ही साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फन करने को भी मिल रहा है। सो बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो आप देख सकते हैं कि बच्चे कंटिन्यू पार्क में लगे हुए हैं एंड बिल्कुल भी बच्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बच्चों को यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटी करने को मिल रही है एंड अच्छी बात है, बच्चों को ऐसी जगह लाना भी चाहिए बिकॉज इससे बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से हो जाती है। सो इवनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं।
सो अब हो चुकी है शाम एंड पार्क की लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं एंड कितनी प्यारी लग रही है लाइट्स आप देख सकते हैं एंड शाम के टाइम का पार्क का व्यू देखिए आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं पार्क से बाहर एंड पार्क इतना बड़ा है कि हम पार्क को पूरा घूम नहीं पाए और बच्चों ने झूले के पास इतना समय लगा दिया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज जो लाइट्स पड़ रही हैं झील के ऊपर वो देखने लायक हैं कि कितना सुंदर लुक दे रही हैं एंड ये जगह लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बिकॉज यहाँ पर जो लोग आते हैं वो काफ़ी देर तक यहीं खड़े रह जाते हैं बिकॉज हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे थे बट हमने जब यहाँ का व्यू देखा तो हमें ये इतना शानदार व्यू लगा कि हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ये वही जगह है जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम इसी जगह आके खड़े होते हैं एंड इसमें बहुत सारे कलरफुल मछलियाँ भी हैं। तो अब हम आ चुके हैं पार्क के बाहर और यहाँ पर आके बच्चों ने अपनी अपनी फरमाइशें स्टार्ट कर दी हैं फिर से। सो बच्चों को जो चीज़ खानी है हम बच्चों को वो चीज़ दिला के फिर सीधा यहाँ से ऑटो करने वाले हैं एंड फिर जाने वाले हैं घर। तो ऑलमोस्ट हम अपने घर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय ज़रूर किया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।